बहुत लोग एल्बम बनाता है, ठीक है ना। अभी आजकल एल्बम बहुत अच्छा है, बहुत सारा एल्बम अच्छा है, लेकिन इसमें कोमा आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, बता रहे तुमने मेरे घर से नाच दिया, अरे मारपीट हो जाता है, बहुत लोगों को मिला मैं। अब किसी एल्बम वजह से आपके घर कितना भी घर टूट गया, मैं रिकॉर्ड है मेरे मोबाइल में, मैं दिखाना नहीं चाहता इस रंग के बाद ग्रांडर परमिशन। और मैं ये भी कहना चाहता, क्लास 10 12 पढ़ के क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कॉलेज पढ़ के क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप पढ़ाई लिखाई ध्यान दीजिए ना, आप ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अच्छा एल्बम बना के ये सब ध्यान देना चाहिए ना। आप वो बेकार वाला चीज़ में नहीं जाना, ड्रग्स हो गया, कानी हो गया, दारू दिन रात पी के, ये गांजा पी के, वो लाइफ नहीं चलेगी। और उसके बाद में यदि आपका गर्लफ्रेंड यदि एल्बम बनाए उसको और 5,000 दो ना, वो अच्छा एल्बम बना दो, तब जोश है ना उसको। आपका बॉयफ्रेंड ने अच्छा था ना, चल और बोलो थोड़ा अच्छा से पत्नी के मर्जी से क्या हिला बोलो, उसे 10,000 रुपये दो ना, तब तो उससे तो क्या। Hi everyone, this is me, Mr. Aman Sutang. Once again, welcome back to my channel. बहुत ही मैं खुशी के साथ आप सभी का सामने मैं कह रहा हूँ कि हम लोग का जो मेरा जो दोस्त लोग है जो कि न्यूली जो एल्बम शूट किया है वो लोग ने मिशमी लोकल गाना पे, तो मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया, बोला कि आज 6 जुलाई है, तो 6 जुलाई में वो लोग ने स्क्रीनिंग प्रोग्राम रखा है, तो 6 जुलाई में आज वो लोग का एल्बम जो रिलीज़ कर रहा है, तो आज केक कटिंग प्रोग्राम रखा हुआ है, तो वहाँ में थोड़ा स्क्रीनिंग दिखाएगा बोल के बोला है, तो मुझे बुलाया है दोस्त ने, बहुत सारे दोस्त लोगों को बुलाया होगा, तो मेरा दोस्त ने बुलाया, 6 बजे को बुलाया था, मैं थोड़ा लेट हो गया और मैं निकलूँगा यहाँ से अभी डायरेक्ट हमारे जो जहाँ पर वो लोग स्क्रीनिंग प्रोग्राम रखा है, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, मतलब वो लोग का एल्बम देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी महीने से मैंने रुक रहा था, वो लोग एल्बम का जो टीज़र है वो रिलीज़ हो चुका था कुछ महीना पहले, तो हम लोग ने काफ़ी वेट किया। एल्बम का नाम है चुम ही है, हम लोग का मिशमी लोकल गाना पे है, तो बहुत ही एक्साइटेड है, मेरा दोस्त भी फर्स्ट टाइम वो लोग शूट किया है, तो हम लोग को देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट लेवल जो बहुत ही 101% एक्साइटेड है देखने के लिए, तो मुझे बहुत ही खुशी के साथ आप सभी का सामने कहना पड़ रहा है कि आज मैं अपने दोस्त का एक एल्बम वीडियो देखने जा रहा हूँ, तो आप सभी को भी मैं दिखाऊंगा, आप सभी दिल थाम के बैठिएगा और देखते हैं साथ में, और बहुत ही मज़ा आने वाला है, वो तो मैं गारंटी देने वाला हूँ। तो मैं अभी स्क्रीनिंग प्रोग्राम हॉल पे पहुँच चुका हूँ, थोड़ा लेट हो गया था हमें, और अभी कुछ ही मिनटों के बाद वो लोग स्क्रीनिंग शुरू कर देगा। हमारे आज के स्क्रीनिंग कार्यक्रम का मुख्य अतिथि श्री यादव अम्मा जी। बिफोर स्क्रीनिंग से पहले और हमें रिफ्रेशमेंट दिया गया है, कुछ समोसा और कुछ भुजिया दिया गया है खाने के लिए, तो हम सब ये सब खाने के बाद वो सब स्क्रीनिंग शुरू कर देगा। तो आप सभी देख सकते हैं आगे चुम्मी एल्बम का दो एक्टर बैठा हुआ है, और हम सभी काफ़ी देर से रुक रहा था चुम्मी एल्बम स्क्रीनिंग प्ले कब करेगा बोल के, तो अभी स्क्रीनिंग प्ले करने ही जा रहा है, तो दिल थाम के बैठिए आप सब और साथ में देखते हैं, लेट्स गो मैन।
कैसे लगा आपको? ए सर, आपको बोल रहा कैसे लगा आपको? कैसे लगा ये? तो मुझे लगता है अच्छा ही लगा होगा इसको भी, तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। आप देखिए, आप कहाँ पहुँच गया बताइए। और हम सब आफ्टर स्क्रीनिंग प्ले का बहुत मालूम भैया का स्पीच को सुन के एकदम कोल्ड ड्रिंक और सब पी रहे थे मजा से। उनका स्पीच को सुन के मोटिवेट भी हो रहे, उनका बात करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो बात कर रहे आप सभी भी सुन रहा हूँ, देखिए सुनिए आप सभी भी। आज आपको मिस्टी बोल के एक ऐसा एल्बम बनाया सुन सुन ही ना, या दिल से दिल में जो भी है, क्योंकि मैं दिगर जाना चाहता हूँ। बहुत एल्बम बनाता है, ठीक है ना? अभी आजकल एल्बम बहुत अच्छा है, बहुत सारा एल्बम अच्छा है, लेकिन इसमें एक कोमा आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। बता रहे तुमने मेरे कंप्यूटर से नाच दिया, अरे मारपीट हो जाता है, बहुत लोगों को मिला मैं। अरे ऐसे थोड़ी ना होगा यार, आप नाचते क्यों लगा यार गर्लफ्रेंड को? आप गर्लफ्रेंड की बोलते मेरा बोलते तो चला गया कि भी नाच किया है, बोले वो तो चला गलती है ना, नाचते मन नहीं देना था। आप किसी के एल्बम पर जैसे आपके घर कितना भी घर टूट गया, मैं रिकॉर्ड है मेरे मोबाइल पे, हाँ मैं दिखाना नहीं चाहता इस रंग के बाद। आप एल्बम बना, अच्छा एल्बम बना है ना, हाँ बोलो यूट्यूब बना के बहुत पैसा कमाए, बार बार बोल रहे हो ना एल्बम बना बहुत पैसा कमा, लेकिन यहाँ पे क्या न्यूशन रहते हैं जैसे जैसे क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप पढ़ाई लिखाई ध्यान दीजिए ना आप ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अच्छा एल्बम बना के ये सब ध्यान देना चाहिए। आप वो बेकार वाला चीज़ में नहीं जान, ड्रग्स हो गया, कानी हो गया, दारू दीना पी के, ये गांजा पी के, वो लाइफ नहीं चलेगा। और उसके बाद में यदि आपका गर्लफ्रेंड यदि एल्बम बनाए उसको और 5,000 दो ना, वो अच्छा एल्बम बना दो, तब जोश है ना उसका। आपको गर्लफ्रेंड का अच्छा था ना, जब और बोलो थोड़ा अच्छा से पकड़ी के मर्जी से हिला बोलो उसे 10,000 रुपये दो ना, तब तो उससे तो क्या। मैंने पूछा आप 11 बजे रात में क्या रोज आते हैं क्या? बोला नहीं, अम्मा सर कभी 3 बज जाता है होटल से आते सर, क्योंकि वहाँ काम करना पड़ता है। तो पेमेंट पूछा मैं कि कितना रुपया? ओनली 5,000 से आजकल के जमाने में मुश्किल है। एक डीसी के पेमेंट लोगों को मालूम होगा ना 2,00,000 रुपया है। 5,000 तो अभी भी 10-1 सेकेंड में खर्चा करता, लेकिन हम लोग गरीब घर का 5,000 से बोलने ना, तो नहीं चाहता हूँ। अभी नौकरी का तो सवाल पैदा नहीं होता, अभी SSC लागू हो गया, बहुत सारा बोर्ड्स लागू हो गया, जिसमें आपको If you are topper, तब आपको नौकरी मिलेगा। आप टॉपर नहीं है ना, कुछ नहीं मिलेगा। ये आप दूसरा ऑरेंज के तीर लगाइए, अनारस के तीर, वो आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। लेकिन आपको माँ पिता जी का बुद्धू बना बना के कॉलेज यहीं में रहना, यहीं लेके बैठा हुआ घर कहाँ यहीं सामने में,
एक तरफ पापा का बुद्धू बना रहा है, एक स्कूल का बुद्धू बना रहा है, एक खुद को बुद्धू बना रहा है। अरे इतना सामने में 2 किलोमीटर दूर में आप रहता है, तेजी में तो हमें क्या रहने देने जरूरत है? एक तरफ पैसा हुआ कि नहीं हुआ, आप कॉलेज पे भी तो मिलता है ना, बना कहाँ चोरी होता है, खुद जाके उसको रात को बिक्री करता है। पापा का बोल, पापा रात को कौन लेगा यार, हाँ खुद देगी आप, पता नहीं झूठ बोल रहा, दस पीने के क्या करेगा बताओ, लेकिन जब पीछे में 2 धंधा मारा पता चला खुद बिगड़ी, ये कब तक चलेगा बताइए? आप पेरेंट्स को बुद्धू नहीं बना, अपने आप को बुद्धू बना रहा हूँ। तो पीछे में झेला मेडिकल ले लिया, नाम बताता नहीं है, तो मैंने भी चालू किया थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा ना, मोबाइल को फ्लैश लाइट जला दिया, आज नहीं बताओ जल्दी बताओ, बोला दो लड़का गिर गया बाइक से, गिर जाने का बहुत पेरेंट्स समझाया, बोलता है अरे उठो ना उठो ना, तो पिताजी बोला होता है पुलिस को बुलाना पड़ेगा, पुलिस को तो मिला लेगा, बोला एक तो लड़का आगे बोला था यार को बता रही यार मारे क्या बाइक के साथ भागा है, ये तो नहीं चलेगा ना, हमारा दर्द अगर किसी के जान बचता है तो खराब नहीं है, लेकिन आप मेडिकल भी चलो भाई, हाँ पर आ जाइए आ जाइए, आप सभी से अनुरोध करती हूँ जी सर के तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोर से बताइए। सर हमारा एक्टर सर अब तक केक कटिंग के बाद सबको डांस करना है बोल रहा था, तो हम लोग कैसे करेगा वही सोच रहा था। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn।
फाइनली मैंने चुम भी सेलिब्रेशन में जाके आ चुका है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के। तो आप सभी भी देखिएगा, और वो लोग अपलोड कर चुका होगा वो लोग का जो ऑफिशियल जो चैनल पे। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग का जो मिशमी भाई हैं जो एक अच्छा चीज़ पे ध्यान देता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो एल्बम बहुत ही अच्छा था, तो आउट ऑफ 10 रेटिंग पे मैं 9.5 देना चाहूँगा। तो बहुत ही अच्छा था यार, आप सभी भी प्यार दीजिए, आप सभी अप्रिशिएट कीजिए, जितने भी कास्ट जो एक्टर थे एक्ट्रेस थे सब सबका फर्स्ट टाइम था, तो सभी का फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत ही ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है। इसी तरह आगे बढ़ते रहिएगा, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा।